नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल। और आज मैंने चेक करा था अपना MIUI 9, जो अपडेट है वो मुझे मिल चुका है Redmi के 3S वाले फोन में। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अभी चेंजेस हुई हैं। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले सेटिंग्स में और अबाउट सेक्शन में जाता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ पहले मेरा जो Redmi का MIUI है, मतलब जो MI का UI इंटरफेस है वो है आपका 9.2.2, ठीक है। और ये अभी अपडेट मुझे मिल चुका है लेटेस्ट वाला। तो यहाँ पर अभी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 9.5.1.0 जो अपडेट है मुझे मिल चुका है, 288 MB का है ये। यहाँ पर काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स थी पहले वो फिक्स करी है, जैसे कि आपका कुछ डुअल्स ऐप वगैरह थे वहाँ पर ग्रुपिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी व्हाट्सअप वगैरह की, वो चेंज करी है। होम स्क्रीन पर कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी वक्स थे वो यहाँ पर शॉर्ट आउट करे हैं। और कुछ चीज़ें जो अभी नई दी हैं, एक्स्ट्रा दी हैं, न्यू हैं, वो सारी सारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। टेक्स्ट में आपको देखो प्रेस एंड होल्ड बटन टू डायल अप पैड टू क्विक डायल नंबर 0129 करके कुछ नया यहाँ पर दिया हुआ है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं इसको अपडेट करने के बाद आपको बता दूंगा एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नई दी हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अपडेट पर लगा देता हूँ, उसके बाद जब ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद क्या चेंजेस हुए हैं और वो मैं आपको सारी सारी जो चेंजेस हैं वो आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं अपडेट पर लगा देता हूँ इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो MIUI 9 का जो अपडेट है 9.5 है, आप चेक कर सकते हैं इसे। और जी मेरा अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है, 9.5.1। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन का जो साउंड है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। आप जब भी अपने फ़ोन को लॉक करोगे और उसको अनलॉक करोगे तो आपको साउंड चेंज का दिखाई देगा। उसके बाद जो फिंगरप्रिंट दी हुई है पीछे, उसकी भी जो रेस्पॉन्स है बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी और वो भी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि यहाँ पर ग्रुपिंग का ऑप्शन आ गया है, यानी कि जैसे मान के चलिए इस वाली स्क्रीन पर मैं डबल फिंगर से क्रॉप करता हूँ और उसके बाद मेरे पास इस तरह के ऑप्शन आते हैं और मैं मान के चलिए पर्टिकुलर किसी फोल्डर को, किसी जो एप्लीकेशन है उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि राइट टॉप कॉर्नर पर आपके पास एक ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है और ये ऑप्शन पहले आपके पास नहीं आता था। मैंने भी चेक करा है और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा मतलब रेस्पॉन्स आने लग गया है, लॉक स्क्रीन का आपके पास ऑप्शन आने लग गया है। अगर आप जाते हो अपने म्यूजिक प्लेयर पर जो MI का है ऑफिशियल, उस पर अगर आप जाते हो तो आपके पास कुछ एक नया अपडेट आया है और वो नॉइज़ कैंसिलेशन का है। वो क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे आपने म्यूजिक खोला, इसके बाद 3 डॉट पर जैसे हम क्लिक करते हैं, हेडफोन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि नीचे आओगे तो यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आया है MI नॉइज़ कैंसिलिंग का 3.5 mm वाला। तो ये आप मुझे ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शन आया है। जो अच्छा ऑप्शन मुझे लगा वो आप देखो कि कॉलिंग पे मैं जाता हूँ और कॉलिंग पे जाने के बाद मैं नीचे 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में आता हूँ, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्विक डायल का एक ऑप्शन मिला है, तो इस वाले डायल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मान के चलिए मैं 3 वाले पर क्लिक करता हूँ और किसी भी पर्टिकुलर नंबर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा जी ऐड हो चुका है। अब मैं अपनी कॉलिंग पे जाता हूँ और इसको अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो मेरा जो डायरेक्ट कॉलिंग है वो हो जाएगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं। और बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में भी एक अपडेट हमें मिला है और वो अपडेट ये है कि आप नीचे जब जाओगे तो आपको गेम स्पीड बूस्टर करके एक एप्लीकेशन मतलब अपडेट मिला है और इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि क्लियर बैकग्राउंड कैच है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्लियर बैकग्राउंड कैच है फॉर फ्री अप मेमोरी फॉर गेमिंग एंड इम्प्रूव CPU परफॉर्मेंस, यानी कि जो बैकग्राउंड की जो कैचे वगैरह है मेमोरी उसको डिलीट कर देगा, क्लियर कर देगा। उसके अलावा जो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक अपडेट हैं, बाद बाकी मैं अभी इसको चलाऊंगा तो आपको बता दूंगा जो भी नए अपडेट होंगे उसके बारे में। तो अगर आपने अभी तक अपना जो भी MIUI 9.5 को अपडेट नहीं कराया तो आप प्लीज़ कर लीजिए, 3S और 3S प्राइम में मिल चुका है ये। तो बस यही थी वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।